हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स की इस सीरीज में आज जो हम इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार प्रोविंस किसान सभा। तो देखिए, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया, तो इस ट्रूस के पीरियड में बिहार में हमें पीजेंट्स की एजिटेशंस देखने को मिलेंगी और यहाँ पर एक प्रोमिनेंट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है जिसका नाम है बिहार प्रोविंस किसान सभा। और जिन लीडर्स ने इस पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया उनमें है स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल संस्कृतायन और तीसरे लीडर आपको देखने को मिलेंगे यदुनंदन शर्मा। और इस प्रोविंस में जो पीजेंट एजिटेशंस देखने को मिलेंगी उनमें सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर जो देखने को मिलेगा बिहार के रीजन में जो पीजेंट एजिटेशंस थी उनमें, कि यहाँ पर जिन पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एजिटेशन चल रही थी, वो पीजेंट्स आपको अपर कास्ट के देखने को मिलेंगे, प्राइमरीली ब्राह्मिन्स में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा लैंड ओनिंग क्लास के पीजेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी लैंड ओनिंग क्लास भूमिकर्स जो है उनके लिए ये पीजेंट एजिटेशन चलेंगी। और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है ब्राह्मण भूमिकर संगठन। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बिहार प्रोविंस में जो भी लैंडलेस पीजेंट्स थे, जो कि प्राइमरीली यादव थे, वो अपने आप को इस प्रोविंस में हो रही पीजेंट एजिटेशन से दूर कर देंगे। तो देखिए, बिहार प्रोविंस किसान सभा जो है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1929, ठीक है। तो इसको फाउंड करने वाले लीडर्स जो हैं, वो लीडर्स के नाम अगर हम जाने तो स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले लीडर देखने को मिलेंगे, फिर राहुल संस्कृतायन और तीसरे लीडर हमें यदुनंदन शर्मा जो है वो देखने को मिलेंगे, यदुनंदन शर्मा। ये तीन लीडर्स ने मिलकर के इस्टेब्लिश किया बिहार प्रोविंस किसान सभा को। और आपको याद रखना है कि बिहार प्रोविंस में जो भी पीजेंट एजिटेशंस हो रही थी, पीजेंट मोबिलाइजेशंस हो रही थी, तो यहाँ पर ये होंगी आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो समय था, ट्रूस का पीरियड था, जिस टाइम पर कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी, ड्यूरिंग ट्रूस पीरियड, तो इस टाइम पे आपको बिहार में ये पीजेंट एजिटेशन देखने को मिलेगी। और अब ये बिहार प्रोविंस किसान सभा, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाएगी और यहां पर जो पीजेंट एजिटेशन होंगी इनमें द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो है, जो दूसरों से इसको पृथक करेगा, अलग करेगा, दैट फीचर वॉज द प्रमोशन ऑफ पीजेंट इंटरेस्ट। जो पीजेंट्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा एंड दीज पीजेंट्स वर बिलोंगिंग टू अपर कास्ट। तो अपर कास्ट के ये पीजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और अपर कास्ट में भी ये आपको ब्राह्मण पीजेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसके अलावा यहां पर आपको याद रखना है कि लैंड ओनिंग क्लास जो है उनके इंटरेस्ट को भी प्रमोट किया जाएगा एंड दिस लैंड ओनिंग क्लास इज नॉन एज भूमिकर। तो इन्हें कहा जाता है भूमिकर। दैट मीन्स कि यहाँ पर अपर कास्ट और लैंड ओनिंग क्लास जो है उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पीजेंट एजिटेशन चल रहे थे बिहार प्रोविंस में। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने यहाँ पर एक संगठन बनाया था जिसे कहा जाता है ब्राह्मण भूमिकर संगठन एंड दिस संगठन वॉज इस्टेब्लिश्ड टू शो द इंक्लिनेशन ऑफ दीज लीडर्स टुवर्ड्स अपर कास्ट एंड लैंड ओनिंग क्लास। तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में जो भी पीजेंट्स एजिटेशन होंगी, तो आगे चल करके जो लैंडलेस पीजेंट्स होंगे, यहाँ के जो पीजेंट्स के पास में जमीन नहीं है, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को यहाँ पर हो रही पीजेंट एजिटेशन से दूर रखेंगे। दे रिमेंड एलूफ
इन द पीजेंट एजिटेशन टेकिंग प्लेस इन द रीजन्स ऑफ बिहार प्रोविंस। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बिहार प्रोविंस में जो पीजेंट एजिटेशन हैं वो किस समय होती है, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में होती है। ठीक है, यहाँ पर पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, लेकिन उनका फोकस क्या है कि जो अपर कास्ट के पीजेंट्स हैं एंड लैंड ऑनिंग क्लास, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, इसलिए लैंडलेस पीजेंट्स जो है अपने आप को इन एजिटेशन से अलग कर देते हैं। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जिस समय गांधी ने सस्पेंड किया, तो उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पीजेंट्स का मोबिलाइजेशन, पीजेंट्स के एजिटेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया बिहार वाले रीजन में कि जहां पर बिहार प्रोविंस किसान सभा जो है ये बनाई गई। ठीक है, ये वाले प्रोविंस को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पीजेंट मोबिलाइजेशन होगी इस समय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय नॉर्थ ईस्ट में, यानी असम के रीजन में क्या हो रहा था। असम के रीजन में देखिए, असम की अगर हम बात करें कि असम में इस समय कौन से रीजन में पीजेंट एजिटेशन हो रहा था, दैट वाज सुरमा वैली। असम में सुरमा वैली है, तो यहां पर पीजेंट एजिटेशन हो रहा था। पीजेंट एजिटेशन वॉज टेकिंग प्लेस इन दिस रीजन। ठीक है, तो यहां पर पीजेंट एजिटेशन हो रहा था सुरमा वैली में, असम में, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड्स क्या थी, प्रमोट किस चीज को किया जा रहा था। यहां पर डिमांड ये थी कि यहां पर जो टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन, ठीक है, उसके लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए, पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए स्पेशली फॉर टी प्लांटेशन। ये याद रखिए कि यहां पर जो पीजेंट एजिटेशन चल रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, वहां पर डिमांड क्या रखी जा रही थी कि ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए टी प्लांटेशन के लिए, कोई स्पेशल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाए। ये यहां पर आपको असम में नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, यानी ये नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और यहां पर जो लीडर आपको देखने को मिलेंगे वो है किरण सिंधु, किरण सिंधु रॉय, ये लीडर आपको देखने को मिलेंगे, पीजेंट लीडर्स जो इन एजिटेशंस को लीड करेंगे असम प्रोविंस में। तो आ गया नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे अब हम बात करते हैं उड़ीसा में जो पीजेंट एजिटेशन चल रहे थे, तो उड़ीसा में क्या डिमांड्स थी, ठीक है, और कौन जो लीडर्स थे वो इन एजिटेशंस को लीड कर रहे थे। तो उड़ीसा में मालती चौधरी नाम की एक लीडर थी, मालती चौधरी, ठीक है, मालती चौधरी जो हैं ये लीडर थी ईस्टर्न प्रोविंस में, यानी ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा में, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शी इस्टेब्लिश्ड ए पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज उत्कल प्रोविंस किसान सभा। तो इन्होंने यहाँ पर एक पॉलिटिकल पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था, उत्कल प्रोविंस किसान सभा, उत्कल प्रोविंस किसान सभा इन्होंने इस्टेब्लिश की थी इस समय। ठीक है, अब मालती चौधरी जो इन्होंने उत्कल प्रोविंस किसान सभा इस्टेब्लिश की थी उड़ीसा में, ठीक है, उनकी डिमांड्स क्या थी, हर डिमांड्स वर टू रिड्यूस लैंड रिवेन्यू। तो ब्रिटिशर्स से ये क्या चाहती थी, रिडक्शन चाहती थी लैंड रिवेन्यू में, रिडक्शन चाहती थी कि यहां पर जो लैंड रिवेन्यू लिया जाता है फार्मर से, उस लैंड रिवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, उसका जो रेट है उसे कम किया जाए, ये चाहती थी मालती चौधरी। और दूसरी चीज़ वो चाहती थी कि जो भी किसान जो हैं नेचुरल कैलेमिटी से ग्रसित हैं तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं। तो मालती चौधरी क्या चाहती थी कि फार्मर्स, किसान या पीजेंट्स जो हैं, ठीक है, दोज हु आर फेसिंग नेचुरल कैलेमिटीज, दे शुड बी गिवन इंसेंटिव्स, तो इंसेंटिव्स दिए जाएं, यह चाहती थी मालती चौधरी। अब हम बात करते हैं मद्रास के प्रोविंस की, यानी सदर्न इंडिया में मद्रास में जो पीजेंट एजिटेशन हो रही थी हम उनकी बात करेंगे। तो ये सारी की सारी पीजेंट एजिटेशन जो हम बात कर रहे हैं असम की, उड़ीसा की, यानी नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट की, तो ये हुई थी सिविल डिसओबीडियंस को जब गांधी जी ने सस्पेंड किया था उसके बाद में। तो मद्रास के प्रोविंस में हमें देखने को मिलेगा कि जो मद्रास में, मद्रास प्रोविंस में एजिटेशन होंगी, ठीक है, पीजेंट एजिटेशन
तो इन पीजेंट एजिटेशन को सपोर्ट करेंगे सपोर्टेड बाई नेशनलिस्ट लीडर्स। तो जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनमें प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगे सी राजगोपाल आचारी, सी राजगोपाल आचारी जो हैं वो सपोर्ट करेंगे कि पीजेंट्स के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए। सी राजगोपाल आचारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं जो भी पीजेंट्स के एजिटेशन है उनको सपोर्ट करते हैं, और सी राजगोपाल आचारी चाहते हैं कि पीजेंट्स के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और पर्टिकुलरली इनका रोल आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उनके बाद में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, 1937 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इस गवर्नमेंट में राजगोपाल आचारी भी थे, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वो पीजेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करेंगे। तो देखिए आज हमने डिस्कस किया बिहार प्रोविंस में पीजेंट एजिटेशन को, देन हमने डिस्कस किया आसाम के प्रोविंस में सिंधु वैली में जहाँ पर टी की जो प्लांटेशन थी उसकी उसके लिए पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए पीजेंट्स के लिए, वो एजिटेशन की हमने डिस्कशन किया। फिर हमने उड़ीसा में एजिटेशन को डिस्कस किया, एंड देन अल्टीमेटली हमने मद्रास में हो रही पीजेंट एजिटेशन जो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के बाद में हुई हमने उनको डिस्कस किया। और 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बनी थी, और यहीं पर इस गवर्नमेंट में सी राजगोपाल आचारी भी थे, तो इन्होंने किसानों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की। तो थैंक यू वेरी मच, आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी सभी वीडियोज़ देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।